ऐप भी मुरादाबाद मंडल ने अभी बनाया है, जिस ऐप के जरिए यात्रियों को रेलवे की जानकारी के अलावा जो लोकल मंदिरों की जानकारी और उसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट के जो दिशा निर्देश हैं उनकी जानकारी मिल सकती है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि कोविड के चलते राज्य सरकार की तरफ से जो सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं उसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो समय समय पर चेंज होते रहते हैं। जैसे वर्तमान में उन्होंने बोला है कि यात्री 72 घंटे पहले RT-PCR करा के ही ट्रेन में बैठें, तो इस तरह की जानकारी यात्रियों को मिल सके उसके लिए हम लोगों ने दो चीज़ें करी हैं। एक तो सबको SMS अलर्ट भेजा गया है जिससे सभी यात्रियों को ये मालूम पड़ सके कि ये अनिवार्य है और वो अपने स्तर पर इस तरह का जहाँ पे से भी गाड़ी लेने वाले हैं वहाँ पे RT-PCR करा के ही उसमें बैठें। दूसरा, ये जानकारी चेंज भी हो सकती है और हम लोग SMS अलर्ट भी भेजते रहते हैं, तो यात्री स्वयं भी ऐप के जरिए कोई अन्य जानकारी जो लोकल हरिद्वार से संबंधित हो या रेलवे से संबंधित हो प्राप्त कर सकें, इसके लिए भी हमने एक ऐप भी लॉन्च कर दिया है जो ऐप यात्री डाउनलोड करके और उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।